चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साहित्य एवं शांति के नोबेल पुरस्कारों पर जो कि हाल ही में दिए गए हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 एनी अर्नॉक्स को दिया गया है। एनी अर्नॉक्स को साहस और क्लिनिकल एक्यूटी के लिए ये प्रदान किया जाता है, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, अर्थात फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स द रूट्स एस्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंस ऑफ पर्सनल मेमोरी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वीडिश अकेडमी ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। क्लिनिकल एक्यूटी पर उनके कई लेख हैं। एनी अर्नॉक्स की बात करें तो फ्रांस के लिलेबॉन में ये पैदा हुई हैं और ये फ्रांसीसी लेखक और साहित्य की प्रोफेसर हैं। उनका साहित्यिक कार्य ज़्यादातर आत्मकथात्मक समाजशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। एनी अर्नॉक्स ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत 1974 में एक आत्मकथात्मक उपन्यास लेस आर्मोरी रेस वाइल्ड से की थी। उन्हें उनकी पुस्तक द ईयर के लिए 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसे वर्ष 2008 में फ्रांसीसी आलोचकों द्वारा बहुत सराहा गया था। साहित्य के नोबेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साहित्य में अब तक की सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता डॉरिस लेसिंग है, जो 88 वर्ष की थी जब उन्हें 2007 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी तक किसी को भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक से अधिक बार नहीं दिया गया है। आज तक सबसे कम उम्र के साहित्य पुरस्कार विजेता रूडयार्ड किपलिंग है, जिन्हें द जंगल बुक के लिए 41 साल की उम्र में 1907 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1931 में एरिक एक्सल कार्लफेल्ड को मरणोपरांत साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1974 से नोबेल फाउंडेशन ने यह तय किया कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। 17 महिलाओं को अब तक साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वीडिश लेखिका सेल्मा लैंगर लॉफ 1909 में सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। साहित्य का नोबेल 7 अवसरों 1914, 1918, 1935, 1940, 41, 42 और 43 में प्रदान ही नहीं किया गया था। अब हम बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के बारे में। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियातस्की और दो मानवाधिकार संगठनों, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया है। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियातस्की और रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों ने अपने अपने देश में नागरिक समाज के अधिकारों का प्रतिनिधित्व किया है और कई वर्षों तक सत्ता की आलोचना की, साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास किया है। साथ ही वे शांति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार 140 पुरस्कार विजेताओं को अब तक दिया गया है, जिसमें अब तक 110 व्यक्तियों और 30 संगठनों को प्रदान किया गया है। चूंकि कॉमेंट इंटरनेशनल डे लो क्राइसिस रूस को 3 बार सम्मानित किया गया है और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय को 2 बार सम्मानित किया गया है, अतः 110 व्यक्तियों और 27 संगठनों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एक व्यक्ति और दो मानवाधिकार संगठनों को दिया गया है। सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है, जो 2014 में शांति पुरस्कार से सम्मानित होने के समय 17 वर्ष की थी। अब तक के सबसे ज्यादा उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोसेफ रॉटब्लैट है, जो 87 वर्ष के थे जब उन्हें 1995 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
महिला नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं की अगर बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित 110 व्यक्तियों में से 18 महिलाएं हैं। पहली महिला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बर्था बॉन सटनर हैं, जिन्हें 1905 में यह अवार्ड दिया गया था। नॉर्वेजियन नोबेल समिति नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करती है। इस समिति में 5 सदस्य होते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। अन्य नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। इसके साथ ही हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर ली है। अभी फिलहाल एक नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट बाकी है, जिस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।